अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की लाइव अमलियात की वीडियो आपको समझाई जा सके, अमलियात सिखाए जा सके, औरों की भी मदद करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज के लिए मदद हासिल करना चाहते हैं तो मदरसा फातिमतुज़्ज़हरा लिलबनात से मदद हासिल कर सकते हैं। आज का जो अमल है, मोहब्बत और हुब के लिए एक लाजवाल अमल है। ये अमल आपको कहीं पर कोई भी नहीं बताएगा, ये तरीका आपको कोई भी नहीं समझाएगा जो तरीका आपको समझाया जाएगा। एक दिन में आपका प्यारा हाजिर भी होगा, आपसे बात भी करेगा, अगर उसने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर देगा इंशाल्लाह। तो अक्ल कामिल रख के ये अमल कीजिएगा। जब तो अक्ल मजबूत हो ना, तो अल्लाह पाक मदद करते हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ मांगा करो, दुआ किया करो। दुआ इबादत का मग़्ज़ है। जैसे दिमाग में मग़्ज़ ना हो ना तो काम नहीं चलता, इसी तरह दुआ जो है इबादत का मग़्ज़ है। दुआ मांगने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक खुश होते हैं, और दुआ तकदीर को बदलती है। दुआ जो भी आप मांगते हो परेशानियों को ख़त्म करती है, तकदीर और जो आपका मुकद्दर है उसे भी टाल देती है। तो अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें। एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तकदीर मुकद्दर लिखा जा चुका फिर दुआ मांगने से क्या फ़ायदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ तो एक्स्ट्रा है, अजाफी है, कि हो सकता है तुम्हारी दुआ मांगने से ही तुम्हारी तकदीर में बदलना हो। इसी के साथ, प्यारी सी हदीस के साथ शुरू करते हैं आज का अमल। आज का अमल बहुत खूबसूरत है, बहुत नायाब है। इस नक्श को आपने बना लेना है। नक्श को बनाना किस तरह है? मुश्किल थोड़ा सा होगा, लेकिन नक्श मोकिलात है, मोकलों का नक्श है, इसकी हिफाजत भी कीजिएगा और जिस तरह बताऊँ वैसे अमल को कीजिएगा। नक्श आपने बिल्कुल इसी तरह तैयार करना है, ठीक है? आपने बिल्कुल इसी तरह तैयार करना है। ऊपर इसका लाइनिंग लगाकर हाँ, जीम, सीन, नून, दाल, वाव, ये ज़रूर आपने लिखना है। फिर यहाँ से बनाना शुरू करें और यहाँ पर ख़त्म करें। ऐसे बनाना शुरू करें, सीधे हाथ से। नक्श मुबारक है ये, ठीक है? ऐसे सीधे हाथ से बनाए, ठीक है? अब नक्श बनाने के बाद बाईसम फला बिनत फला, लड़की है, अगर लड़की अमल कर रही है तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लगे। अगर कोई भाई अमल कर रहा है तो यहाँ पे बिन डाल ले, ठीक है? जो बहना है अमल कर रही हैं तो फला इब्न फला है, तो यहाँ पे आपने, अगर बिनते हैं भाई अमल कर रहे हैं तो यहाँ बिन आएगा, यहाँ बिनते आएगा। बहन अमल कर रही है तो यहाँ बिनते आएगा, यहाँ पर बिन आ जाएगा। इब्न भी लिख सकते हैं, बिन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलूब का नाम जो आप हैं, किसको तलब करें उसका नाम, तालिब का नाम, ये मुकम्मल बिल्कुल ऐसे ही आपने नामों के साथ लिखना है। अब ये नक्श तैयार कर लें। इस नक्श को काले कपड़े में लपेट कर अपनी सीधी बाजू पर बांध लें। ख्वातीन भी बांध सकती हैं, भाई भी बांध सकते हैं। जब ये नक्श बांधना है, नक्श बांधने का और टाइम देख लें, दिन देख लें, एक दफ़ा का अमल, एक दिन का अमल है, एक दफ़ा का अमल है। जिसने भी आपको ब्लॉक किया होगा, जो नाराज़ होगा, रूठ गया होगा, छोड़ कर जा चुका होगा, समुंदर पार भी बैठा होगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आपकी आवाज़ सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। ये ख़ास अमल इस तरह का है कि ये हम किसी को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए करते हैं, तो आप अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा सकते हैं। ज़ुकात कुछ भी नहीं है, ज़ुकात
कुछ भी नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई चीज़ लेने देने नहीं है, कोई मिठाई वगैरह रखने की कोई सुकात नहीं है। वक्त वक्त आपने 10 बजे का, वक्त 10 बजे का, दिन 10 बजे का, दिन सुबह 10 बजे का, जुमे वाले दिन 10 बजे जब हम रमज़ानुल मुबारक में तस्बीह नमाज पढ़ते हैं ना, सलात तस्बीह, वो टाइम 10, सूरज की तेज़ गर्मी में ये टाइम होना चाहिए। दिन जुमातुल मुबारक का दुरूद पाक 11 बार, जब ये जिक्र करेंगे ना या वदूदों का, तो फिर 11 बार दुरूशी पढ़ेंगे फर्स्ट में, पहले शुरू में। नमाज की पाबंदी लाजिम है, जुमे की नमाज भी पढ़ें। अमल की तादाद 33 बार है, 33 बार क्या पढ़ना है, या वदूदों, ठीक है, 33 बार क्या पढ़ना है, या वदूदों। जुमे वाले दिन ये नक्श आपने तैयार कर लेना है, जुमे वाले दिन बाजू पर बांध लेना है, जुमे वाले दिन उसके बाद ये जिक्र आपने करना है। ये जिक्र पहले थोड़ी देर तस्वीर देखें, ठीक है, अब तस्वीर देख ली है तो अमल करने से पहले आपने क्या करना है, अमल करने से पहले आपने 10 मिनट अपने पाँव को ना पानी में भिगोना है, पाँव को पानी में भिगोना है। आपके पाँव जितनी देर भीगे रहेंगे उसका दिल उतनी देर डूबा रहेगा। जब पाँव को, जैसे हम वुजू करते हैं ना, वुजू के टाइम आप कर लीजिएगा, 10 मिनट पानी में, किसी टब में, किसी पानी वाली जगह में खड़े होकर ये अमल करें तो ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होती है। आपने क्या करना है, कोई टब ले लें, कोई ऐसी चीज़ लें जिसमें आप अपने पाँव डिप कर लें। अगर देखें कि अगर आप पाँव जब भिगोते हैं, जब पानी में पाँव हों, तब भी आप ये जिक्र कर सकते हैं, या वदूदों का तस्वीर देकर, नक्श तो आपने बांध लिया ना बाजू पर तैयार करके, या वदूदों 33 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ करना, तस्वीर पर दम करें पानी में, आपकी आवाज़ उस तक पहुंच जाएगी, इतना वो बेचैन हो जाएगा, इतना बेकरार। एक दिन का अमल है, एक वीक में, एक हफ्ते में एक ही दिन बस ये अमल कर सकते हैं। एक दिन में करने से अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो जाएगा। ये अमल ज़रूर एक दफ़ा करके देखें, अपने प्यारे को पाना चाहते हैं ना, अपने प्यारे से दूर हैं तो दिल तकलीफ़ करता है, दिल की वो मुराद, वो चीज़ पूरी नहीं होती, तो ये अमल ज़रूर करें। हस्बैंड वाइफ के लिए भी ये अमल उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर है जितना हुब के लिए किया जाता है, ठीक है, हर लिहाज से ये अमल बहुत अच्छा है। आपने तस्वीर पर फूक ज़रूर मारनी है, 3 मरतबा मारें और आवाज़ दें, 3 मरतबा मारें दिल से आवाज़ दें कि अल्लाह पाक जिससे भी आप मोहब्बत रखते हैं, जिससे प्यार करते हैं, कि अल्लाह पाक आपको हदायत दे और आप वापस आ जाएं हमारे अमल से, मेरी बहना के अमल से भी, ठीक है, दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो वापस आ जाएगा। दुआ करनी है, सब करने के बाद अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह पाक ये शख्स का दिल नरम कर, जो दिल की फरियाद है, जो, या अल्लाह इसको शादी के लिए तैयार कर दे, या अल्लाह इसको निकाह के लिए तैयार कर दे, या अल्लाह इसने मुझे ब्लॉक किया है, या अल्लाह इसको हदायत दे दे, या अल्लाह इसको कहे मुझे अनब्लॉक, आवाज़ दें इसको, आपकी आवाज़ सुन लेगा। जो नीयत होती है ना, नीयत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मसला हल हो जाता है। अपनी बहन को इजाज़त दी, कोई बात समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए, एक दफ़ा रब्ता करें, इस्तखारा करवा लें, कोई अमल आपके इस्तखारे में भी आ गया वो अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी 2 दिन में 3 दिन में कामयाबी होगी। मैं जब अमल आपके साथ करती हूँ, मैं उसमें 7 दिन का टाइम लेती हूँ कि 7 दिन में आपका काम होगा, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से। अगर आप हमसे अमल मदरसे वालों से करवाना चाहते हैं ना, मदरसा फातिमा ज़हरा से, आप 7 दिन का टाइम लिया जाता है, ठीक है, आप मेरे बताए हुए तरीके से भी अमल करें इंशाल्लाह। मैं आपकी बहन हूँ और बस मेरे भाई और बहनों की दिली मुरादें पूरी हो जाए, इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए, दुआ बस कर दिया करें अगर अमल कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है तो। इसी के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा, कोई गलती कुताही माजरत, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं, जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना
तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।